बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह सर्दी का मौसम आपको पता है आ गया है, दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन उस तरह की सर्दी नहीं है जिस तरह एवरी साल होती है, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। इन दिनों में तो आपको पता है धुंध वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा फील होती है, लेकिन इस दफ़ा वो सीन नहीं है। इस दफ़ा तकरीबन नॉर्मल मौसम है, सुबह का टाइम सर्दी थोड़ी ज़्यादा फील होती है, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह धूप निकल आती है, फिर मौसम तकरीबन नॉर्मल हो जाता है। यानी कि ये अभी जो मौसम जा रहा है ये तकरीबन सर्दी भी है और गर्मी भी है, और इस मौसम में फ़िश का ज़्यादा रुझान हो जाता है कि फिश है जो मछली है वो लोग ज़्यादा खाते हैं, और वैसे भी मुर्गी का रेट आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उससे बेहतर है बंदा फिश ही खा ले। अभी मैं पहुंचा हूँ किंगरा में, और किंगरा में मुझे एक शॉप मिली है जो यहाँ की बिल्कुल स्पेशल है, और ये शॉप स्पेशल पकौड़ा शॉप है और यहाँ की अल मशहूर A1 पकौड़ा शॉप है। बहुत ज़्यादा इनके टेस्टी पकौड़े हैं, पहले भी मैंने एक दफ़ा खाए थे, अभी आज फिर आया हूँ तो सोचा एक दफ़ा फिर आज ट्राई करते हैं। और ये चाचा है जो पकोड़े बनाते हैं, और यहाँ की माशाल्लाह अल मशहूर शॉप है ये किंगरा की स्पेशल, और माशाल्लाह इनके हाथ में अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा टेस्ट दिया हुआ है, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये इनकी छोटी सी शॉप है अंदर, और ये अभी गरम गरम पकोड़े निकाले हैं, साथ समोसे भी हैं और पकौड़े भी हैं। ये पकौड़े अभी चाचा ने डाले हैं इसके अंदर, और माशाल्लाह 3-4 लोग इनकी वीडियो बना चुके हैं, और आज मैं भी किंगरे में आया तो मैंने भी सोचा कि चाचा की आज वीडियो बनाऊं, और चाचा को माशाल्लाह वीडियो में लेके आऊं। इनके पकोड़े काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, पहले भी ट्राई कर चुका हूं और आज फिर एक दफ़ा आया हूं मैं। और इनकी सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो है इनकी चटनी, जो कि 2 किस्म की चटनी होती है, एक चटनी है बिल्कुल खुशक तरीके की है, और एक वो जो है पानी वाली चटनी है। और ये इनकी शॉप है, शॉप छोटी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये सबसे अच्छी बात है, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। बेशक शॉप छोटी है लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका। और इनकी 2 शॉप हैं, एक ये सड़क के पार है बिल्कुल जो इनके भाई हैं, और एक ये खुद है। चटनी 2 किस्म की थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, एक जो है वो तकरीबन ये खुशक तरीके की है और एक पानी वाली। बाकी पकोड़े मेरे सामने हैं, और सामने रखी चीज़ आपको पता है कि वैसे ही नहीं बर्दाश्त होता, भूख काफ़ी लग चुकी है क्योंकि टाइम भी तकरीबन 3 बज चुके हैं अभी, और पकोड़े खा के भी जाएंगे हम लोग वापस। अभी मैं चाचा जान से पूछता हूँ कि आपको कितनी देर हो गई है यहाँ पे तकरीबन? चाचा जी कह रहे हैं कि माशाल्लाह बचपन से ये काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इनके हाथ में बहुत ज्यादा टेस्ट है। और किंगरा में ये काफी ज्यादा मशहूर है, मेन चौक में अगर आप सियालकोट की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट साइड पे इनकी शॉप है, तो अगर आप जफरवाल की तरफ से आते हैं तो ये राइट साइड पे बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इनका बहुत ज्यादा काम है, मैंने देखा है यहाँ पे पकौड़े भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, समोसे, और उसके अलावा जो इनकी 2 चटनियाँ काफी मशहूर है, एक जो है पतली चटनी है पानी वाली और एक सूखी है बिल्कुल। चाचा जी बहुत ज्यादा शुक्रिया, इजाजत दो, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बाइक हमारी हो गई है पंचर, बड़ा जलील हुआ है इसको खींच खींच के, और 125 को खींचना आपको पता है वैसे ही बड़ा मुश्किल है, एक तो इसका वजन बड़ा होता है, दूसरा हमारी कौन सी, हम कौन से को पहलवान है, और तीसरे नंबर पर रोड भी काफ़ी ख़राब था। और अभी शाम हो चुकी है, दानों बाटी यहाँ पे बैठ के नेट चला रहे हैं आराम से, और अभी हम खड़े हैं मोड़ों पे, मोड़ की मोड़ कहते हैं इसको, किंगरे के साथ ही है मोड़। अभी हमने जाना था वापस
वो सामने सबज पीर से हम लोग वापस हो गए, यहाँ पे आए हैं अभी। वहाँ पे पंचर हो गई थी गाड़ी, रोड ज़्यादा ख़राब था, तो अभी यहाँ पे आए हैं। ये मेन चौक तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के साथ गाड़ी को लेके, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरा तो सांस से सांस नहीं मिल रहा, क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी वजनी है। उसको एक तो खुद को लेके आना गाड़ी के साथ, और दूसरा गाड़ी को पंजाबी में कहते हैं बंदा खींच खींच के बंदा थक जाता है। ये भाई साहब अभी लगा रहे हैं पंचर, अब पता नहीं कितने पंचर निकलते हैं इसमें से, अल्लाह करे कि एक आधा ही पंचर हो। और गाड़ी में लगा हुआ था एक किल, ये देखें भाईजान के हाथ में, ये पंजाबी की मिसाल है कि जिन्ना निका उन्ना तरीका, हैं जी गल। छोटा सा किल और वक्त देखो कितना इसने डाला हुआ था हमें। ये देखें छोटा सा किल है, पर पूरी बाइक को घसीटना पड़ गया इस किल की वजह से। और अभी हम इस किल को यहाँ पे नहीं फेंकेंगे ताकि किसी और को मसला ना बने इसकी वजह से, इसको फेंकेंगे यहाँ पे साइड पे कचरे में, ताकि किसी और को इस किल की वजह से किसी और बेचारे मुसाफिर की गाड़ी पंचर ना हो जाए। आज सर्दी भी काफ़ी है, और सर्दी में बाइक को खींच कर यकीन करें कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मौसम भी बड़ा ठंडा हो गया देखें, और माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है, ठंड है वैसे। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि पंचर एक निकला। अगर इसके ऊपर बैठ के आते ना तो फिर 4-5 पंचर निकलने थे। इन्हू रेड़ के लिया तो आवास एक पंचर निकले। पंचर भाई को लग गया, भाई को अल्लाह हाफिज कह दिया। अब जा रहे हैं सीधा अपने मंजिले मकसूद के ऊपर, अब थक गए हैं बहुत ज्यादा, और अभी